मेरा क्वेश्चन है, देयर इज ऑलवेज अ वॉर बिटवीन माइंड एंड हार्ट, एंड समटाइम्स यू नो कि ये गलत है, बट फिर वही अंदर से आता है कि नहीं यार कर लेना चाहिए. समटाइम्स यू आर लाइक नॉट डिसाइडेबल कि ये चीज़ सही है या गलत है, दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, तो सर उस टाइम क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और क्या मानना चाहिए? मतलब दिल की सुने या दिमाग की सुने? इसको हम एक और तरीके से भी बोल सकते हैं इस टॉपिक को, हाउ टू स्टॉप बीइंग एन इमोशनल फूल. सही लग रहा है टॉपिक? सारे कह रहे सर यही तो है हम. सबने यस सर बोल दिया. कितने चाहते हैं ये आज के सेशन का टॉपिक? सब चाहते हैं. अरे वाह, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर. टॉपिक हमको मिल चुका है, टॉपिक इज हाउ टू स्टॉप बीइंग एन इमोशनल फूल. तो सबसे पहले देखते हैं इमोशनल होना क्या बुरा है. ये बुरा नहीं है, ये जो वर्ड है इमोशन, इसी में इसका मीनिंग है. यू कैन कॉल इट एज एनर्जी इन मोशन. लेकिन अगर वो एनर्जी अनकंट्रोल्ड वे में चलने लग जाए तो क्या होगा? एक है एनर्जी आपके कंट्रोल में है, इमोशंस आपके कंट्रोल में है, एक है आप इमोशंस के कंट्रोल में हो. कैसी होगी इस बंदे की लाइफ जो इमोशंस के कंट्रोल में है? खत्म ही खत्म है जी. मतलब एक मिनट में वो एक्साइटेड हो जाएगा, अगले मिनट में डिप्रेस्ड हो जाएगा. जब जरूरत से ज्यादा खुश हो जाएगा तब भी रायता फैलेगा. जरूरत से ज्यादा खुश हो जाते हैं तो कमिटमेंट नहीं करने लग जाते उल्टे सीधे. पूरी की पूरी रामायण को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो सारी जो प्रॉब्लम्स हुई उसकी जड़ क्या थी? सीता. अरे नहीं, सीता जड़ थी. कहां से खेल सारा शुरू हुआ था? वचन क्यों दिया था? तो रामलीला शुरू होने वाली ऐसा लग रहा है. एक हनुमान भी आएगा थोड़ी देर में, यहाँ से दिख रही है ऊपर से रॉड. हनुमान जी आएंगे, लंका उनका जलाएंगे करेंगे, देखते हैं क्या होता है. हाँ नहीं, समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ था. केकई से बहुत खुश हो गए थे दशरथ जी, तो उन्होंने उनको वचन दिया था कि जब भी आप मांगोगे वो हम देंगे. तो पूरी की पूरी रामायण की जड़ क्या है? नहीं केकई नहीं, कभी सीता कभी केकई. अबे पागल हो क्या? रुको, दशरथ जी जरूरत से ज्यादा खुश हो गए थे, इमोशनल हो गए थे, और जरूरत से ज्यादा खुश होने के बाद में उन्होंने उसको कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद में ये पूरी बुरी रामायण शुरू हुई. तो हमारी भी जिंदगी की रामायण ऐसी ही शुरू होती है. जरूरत से ज्यादा खुश हो जाते हैं और किसी को कमिट नहीं करना चाहिए, कमिट कर दिया, उसके बाद वो फुद्दू घर के चक्कर लगा रहा है. उसके बाद रो रही, मैंने क्या कर दिया, थोड़ी जल्दी कर दी. फिर हमारी जिंदगी की रामायण शुरू होती है. ये रिलेट कर पा रहे हो इन सब बातों से? जरूरत से ज्यादा इमोशनल होकर के एक डिसीजन ले लिया अपने करियर का बहुत बड़ा, उसके बाद में रो रहे हैं बैठे बैठे पूरी लाइफ के लिए, ये मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सोच समझ के नहीं कर सकता था, सोच समझ के नहीं कर सकती थी. ऐसा होता है लाइफ में? नहीं होता. कुछ गिने चुने बड़े डिसीजंस हैं लाइफ में. और क्या है, एक रिलेशनशिप से रिलेटेड है, एक करियर से रिलेटेड है. ये दोनों डिसीजंस सोच समझ करके प्रॉपरली लेने चाहिए या एकदम से इमोशनल होकर के लेने चाहिए? इमोशंस जो होते हैं ना, अब वो जनरेट कैसे होते हैं? Happening. You're saying कि कुछ होता है हमारी लाइफ में, कोई इवेंट होता है, वहां से इमोशंस ट्रिगर होते हैं. तो इवेंट्स तो अनलिमिटेड होते हैं, हर एक पे इमोशंस ट्रिगर होते हैं. आपकी लाइफ में कितना कुछ होता है सुबह से रात तक? बहुत कुछ होता है. क्या हर जगह पे एक्साइटेड हो जाते हो, हर जगह पे डिप्रेस्ड हो जाते हो, या कभी होते हो कभी नहीं होते हो? तो उसका कॉज बाहर है या आपके अंदर है? इसको आराम से समझना, यही हमारी सबकी गलतफहमी है. हम सोचते हैं इमोशंस बाहर से जनरेट होते हैं, बाहर से नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, किसी गाड़ी का आपके माइंड में डिजायर पड़ा हुआ है और वो डिजायर बहुत स्ट्रांग है और वो गाड़ी आपके सामने आएगी तो आप इमोशनल नहीं हो जाओगे? और अगर वो डिजायर है ही नहीं तो ऐसी हजार गाड़ियां भी आपके सामने से निकल जाएगी, कुछ भी नहीं होगा. ऐसे ही जिस तरह की आपने मूवीज देखी है, करी है, ये है वो है, उससे रिलेटेड इमेजेस बन जाती है हमारे माइंड में. प्रिंस चार्मिंग एकदम से वो सामने आता है तो क्या होता है? दिमाग काम करना बंद नहीं कर देता है. बाहर से हम अपने आप को बड़ा काम एंड कंपोज दिखा रहे होते हैं, अंदर ही अंदर क्या चल रहा होता है, अरे मजा आ गया. ऐसी फीलिंग्स होती है? नहीं होती है. ओबे देखो देखा देखा, पलट 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 पलट, ये खेल शुरू नहीं हो जाता है? उस वक्त क्या होता है, दिमाग काम करना बंद नहीं कर देता है. अब जैसे जैसे वो डिजायर पूरा होता है तो हमारे अंदर
ग्रीड नाम का एक इमोशन पैदा होता है. ग्रीड सिर्फ चीजों से रिलेटेड नहीं होता, लोगों से रिलेटेड भी होता है. लालच आता है और अगर उसमें कोई रुकावट आती है तो क्या होता है? पता लगा आपको वो आपको नहीं देख रहा, आपकी फ्रेंड को देख रहा है, तो क्या होता है? गुस्सा आता है, जेलसी होती है. तो इस सबकी जड़ क्या है? उनके इमोशंस उनके ऊपर हावी हो जाते हैं. अब इस डिजायर की प्रॉब्लम समझ पा रहे हो? क्योंकि ये डिजायर्स, मजे की बात क्या है, हम सबके अंदर बन जाते हैं. आपने बनाए नहीं है. ऐसी गलतफहमी होती है आपको कि मैंने चूज किए हैं. चूज नहीं किए हैं. जैसी आपकी अपब्रिंगिंग है, जैसा फैमिली बैकग्राउंड है, जैसा फ्रेंड सर्कल है, जो सुबह से रात तक आप देखते रहते हो, जिस तरह की एड्स देखते हो, जिस तरह की मूवीज देखते हो, जिस तरह के सीरियल्स देखते हो, उसके हिसाब से डिजायर्स बनने लग जाते हैं. जो हो सकता है शॉर्ट टर्म में तो आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी धज्जियां उड़ाने वाले हैं. तो क्या हो अगर ये जो डिजायर्स हैं इसको आप खुद चूज करो, खुद प्लांट करो. जैसे एक सीड नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो जो डिजायर्स पड़े हुए हैं वो कैक्टस के जैसे हैं कि वहां मरना ही मरना है. क्योंकि डिजायर्स आपको लगता है, अब ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसको देखने के लिए थोड़ी सी समझ चाहिए, कि आपको लगता है कि हम खुद चूज करते हैं अपने डिजायर्स. आप नहीं करते हो. मार्केटिंग की पूरी एक दुनिया है. जिन लोगों का इंटरेस्ट है आपको जो चीज बेचने में, आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे वो उससे रिलेटेड डिजायर्स आपके अंदर प्लांट करते चले जाएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. एड्स को लेके क्या करते हैं? सबको अपनी पड़ी है जी, एज सिंपल एज दैट. लोग क्यों करते हैं, मतलब लोग कचरा भी बेचने के लिए क्यों तैयार है? चलो कोई आदमी गरीब है तो उसका तो फिर भी समझ आता है कि वो अपनी फैमिली के लिए किसी के लिए कर रहा है. अरे वो लोग जिनके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, क्या वो झूठ नहीं बोलते हैं आकर के? क्या वो जिन भी चीजों की ऐड कर रहे हैं वो खुद खाते पीते हैं? लेकिन ऐड तो करते हैं. क्यों करते हैं? पैसा दो कुछ भी बुलवा लो, बट पैसा तो उनके पास में है, फिर क्यों करते हैं? लालच है जी. फॉर एग्जाम्पल, आपको क्रिकेट का शौक है तो आपका कोई आइडल है, उसने आकर के बोल दिया कि ये खाओ, चाहे वो उसको हाथ भी ना लगाए खुद, ना अपने बच्चों को खिलाए, ना अपनी बीवी को, किसी को ना खिलाए, लेकिन अगर उसने आकर के बोल दिया कि ये खाओ, तो क्या होगा? आपका दिमाग वहां पर बीच में आएगा? ये इमोशंस आपके ऊपर हावी हो चुके हैं. अभी मैं एक स्कूल में गया था सेशन करने के लिए. एक गवर्नमेंट स्कूल था, 6th-7th के बच्चे थे. सेशन करा मैंने, उसके बाद में लंच ब्रेक में उनके साथ में बैठा, खाना वाना खा रहा था. उसमें से एक बच्चा आया, आकर के कोई चीज़ मेरे को दी, सर ये खाओ बहुत बढ़िया है. मैंने कहा ये सब मैं नहीं खाता. कहते लेकिन सर ये तो बहुत बढ़िया है. मैंने कहा तुम्हें किसने कहा बढ़िया है? कहते सर उन्होंने कहा है. मैंने कहा उन्होंने, वो तुमसे मिले थे? नहीं नहीं सर मिले नहीं थे, उन्होंने टीवी में कहा है. उसके बाद मुझे करीब करीब 1 घंटा लगा उस बच्चे को बैठ करके समझाने में कि वो तुझे झूठ बोल रहे हैं. उन्होंने कहा वो झूठ क्यों बोलेंगे, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, उनको तो सब इतना मानते हैं, मेरे पापा मम्मी भी इतना मानते हैं, वो झूठ क्यों बोलेंगे, वो मेरे से झूठ क्यों बोलेंगे. फिर मुझे बहुत देर लगी उनके, मैंने यूट्यूब पे कुछ इंटरव्यूज निकाले, वो दिखाए. मैंने कहा देखो ये खाते हैं ये, और ये बताते हैं कि ऐसे ऐसे, एक चावल का दाना भी एक्स्ट्रा नहीं खाते हैं सुबह से रात तक, ऐसी डाइट लेते हैं, तब जाकर के वो आज इस लेवल पे है. उन्होंने काफी जगह बताया भी हुआ. फिर मैंने कुछ और उनको क्लिपिंग्स दिखाई यूट्यूब से निकाल करके. एक एक्ट्रेस है जो तरह तरह की एड्स करती है, अगेन नाम नहीं लूंगा, अगेन तो उसकी एक क्लिपिंग दिखाई जहां पर एक टेलीविजन शो में वो गई थी. वहां पर गलती से उसकी चाय में किसी ने चीनी डाल दी, चाय में या कॉफी में, मेरे को क्या पता. तो उसकी चाय में या कॉफी में किसी ने चीनी डाल दी, तो वहां पे बहुत उल्टा सीधा उसने बोला उस पर्सन को भी और चीनी के बारे में भी. और वो जिस तरह की एड्स कर रही है, दैट इज ऑल लोडेड विद शुगर, केमिकल्स और पता नहीं क्या क्या. तब जाकर के उन बच्चों को ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में ये लोग झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं. ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. जो बच्चा उनको फॉलो कर रहा है, जिसने उसको आइडल बनाया हुआ है, उसको नहीं पता है कि वो खाना गलत है. उसके लिए तो उन्होंने बोल दिया, बिल्कुल ऐसा है जैसे भगवान ने कुछ बोल दिया, उसके लिए तो आइडल है ना. तो उस बच्चे को नहीं पता है कि उसके लिए वो गलत है, उनको तो पता है ना कि उसके लिए गलत है. सर लेकिन बोलते हैं कि आप जितना गलत, मतलब माइक दे रहे हैं, एक मिनट.
सर मतलब अगर हम कोई अगर काम करते हैं, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो कहते हैं ना कि आप गलती से ही सीखोगे, अगर आप सारी चीज़ें सही करते जाओगे तो आप सीखोगे कैसे। तो जैसे हम लोग भी बहुत सारी गलतियां करते हैं तो उसे हमें सीख मिल जाती है कि अच्छा हमें एक बार धोखा मिल गया तो हम दोबारा ये चीज़ नहीं करेंगे। तो सर हमें गलतियाँ करते रहना चाहिए, मतलब ऐसे सीखते रहना चाहिए, तो ये क्या मतलब सर? अब होता क्या है, मेरे अलग अलग सेशंस में आप अलग अलग बातें सुनोगे, अंदर अंदर सबकी खिचड़ी बनती चली जाएगी। क्योंकि एक सेशन में मैं बोलूंगा कि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, जिसने गलती नहीं करी उसने क्या किया, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम गलतियां ही करते रहे। देखो समझदार कौन है, जो बार बार गलती करे और फिर भी उससे ना सीखे वो समझदार है या बेवकूफ़ है या महाबेवकूफ़ है? महाबेवकूफ़। एक ही गलती को 10 बार करे। दूसरा बंदा जिसने गलती करी उससे सीख लिया, उसको समझदार कहेंगे या बेवकूफ़ कहेंगे? समझदार है। तीसरा बंदा जो गलती करने से पहले ही औरों की गलतियों से सीख जाए और वो गलती करे ही ना, वो वाली गलती ना करे, वो उसको क्या कहोगे, महाबेवकूफ या महासमझदार? महासमझदार। गलतियां दो तरह की होती है, एक है छोटी मोटी गलती कि आप गए यहां से, ध्यान कहीं और था, अंदर ख्यालों में खोए हुए थे, कहीं टक्कर हो गई टड़क करके ऐसे मतलब, और थोड़ी सी लग गई चोट, 5-7 दिन के लिए दर्द हो रहा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो गलती अगर आपने कहीं मेन रोड पे सड़क पे करी और टक्कर हुई किसी ट्रक से, तो अब क्या सीखोगे वहां पर, सीखने के लिए रह क्या जाएगा? समझ गए ना, गलतियां दो तरह की है, एक छोटी मोटी गलती है, बड़ी गलती है। तो बड़ी गलती किससे कनेक्टेड है? बड़े डिजायर से कनेक्टेड है। जितने ज्यादा डिजायर्स होंगे उतना ही फड़फड़ाए हुए होंगे। मैं ये सब जो भी बोल रहा हूं अपनी लाइफ के पूरे एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे बोल रहा हूं। तो अगर आप महासमझदार हो तो मेरी बातों से ही सीख लोगे, महाबेवकूफ हो तो कभी नहीं सीखोगे। समझ गए? मैं लाइफ में कई जगह पे फंसा हूं। क्यों फंसा हूं? क्योंकि अंदर एक डिजायर को पनपता रहा कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जब वो चीज, वो जो अपॉर्चुनिटी है मेरे सामने आई तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, इमोशनल होकर के कोई डिसीजन ले लिया, उसके बाद में भुगतता रहा अगले 5-10 साल तक। ऐसा लाइफ में होता है? नहीं होता है। तो मैं दिल से क्या चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा ना हो। तो अगर ये सीख जाओ तो बच जाओगे। अब ऐसा नहीं होता है मेरे साथ में। क्यों नहीं होता है? अंदर कोई डिजायर ही नहीं, नो डिजायर ऑफ एनी काइंड। लेकिन एनर्जी की कोई कमी है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? लगाओ थोड़ा सा दिमाग। राइट डिजायर प्लांट किया हुआ है। हाँ, राइट डिजायर प्लांट किया, राइट डिजायर प्लांट किया हुआ है अपने अंदर। अभी राइट डिजायर क्या है और रॉन्ग डिजायर क्या है आराम से समझ लेना, आराम से ठंडे दिमाग से। कुछ भी पाने का डिजायर ये रॉन्ग डिजायर है, अपने आप को कैपेबल बनाने का डिजायर, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का डिजायर, अपना जो हाईएस्ट पोटेंशियल है उसको अचीव करने का डिजायर। यानी अगर आप एक क्रिकेटर हो तो आपका डिजायर क्या है? क्रिकेट में मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, चीजें इकट्ठी नहीं करनी है। चीजें तो उसके पास भी आएंगी लेकिन एटलीस्ट उसका माइंड उसके कंट्रोल में होगा। अब वो चूज करेगा कि मैं कौन सी ऐड करूं और कौन सी ना करूं। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी की है, बाइक की है, इंश्योरेंस की है, ये सारी जो एड्स हैं इसको करने में कोई बुराई नहीं है, किसी की लाइफ थोड़ी ना खराब हो रही है। अच्छा खाने पीने की चीज है, कौन देखने वाला है इस ऐड को? कुछ बच्चे देखने वाले हैं जो मुझे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो मैं ये ऐड नहीं करूंगा। और इसकी जगह मैं क्या करूंगा, अपने सारे इंटरव्यूज में बोलूंगा कि ये खाना सही है, ये खाना गलत है, ताकि एटलीस्ट मेरी वजह से किसी का अच्छा नहीं हो रहा तो किसी का बुरा ना हो, नंबर वन। और अगर मेरी वजह से किसी का अच्छा हो जाए तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसी थिंकिंग कहां से आ सकती है, किसके माइंड में आ सकती है ऐसी थिंकिंग, जिसकी लाइफ का गोल हो कि मुझे खिलाड़ी बनना है ना कि भिखारी बनना है। ये जो आपका पाने का डिजायर है ये आपको भिखारी बनाता है। बड़ा आदमी, छोटा आदमी, ये सब क्या है जाने अनजाने अगर ये डिजायर आपके अंदर प्लांट नहीं हो रहे हैं। घर में डायलॉग सुने हैं? नहीं सुने हैं? वो बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी मतलब क्या? 8 फुट का है, 10 फुट का है, कौन है बड़ा आदमी? मतलब क्या? पैसा है और क्या? तो बड़ा आदमी मतलब जिसके पास पैसा बड़ा है, क्या वो एक्चुअल में बड़ा है? या हो सकता है उसकी सोच 2 कौड़ी की हो? तो सोच की क्या वैल्यू है हमारी सोसाइटी में? अंदर से बंदा कैसा है उसकी क्या वैल्यू है? 0। तो जिसकी वैल्यू 0 है एक्चुअल में, वही लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी सोच सही तो आपकी लाइफ सही, आपकी लाइफ सही तो आपके आसपास वाले लोगों की लाइफ सही। Somebody who is peaceful from within, absolutely calm within, वही तो किसी और इंसान के जब कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसके साथ में कुछ अच्छा कर सकता है।
जिसके अंदर पहले ही भूचाल है, मतलब बवंडर चल रहा है, वो जब भी किसी के कॉन्टैक्ट में आएगा वो एक ही बात सोच रहा होगा, मैं इसको कैसे यूज करूं अपना वो पूरा करने के लिए, जो चीज मुझे चाहिए उसमें ये काम का है या नहीं है। काम का है तो आपके लारे लप्पे करेगा, नहीं है तो आपको साइड में कर देगा। ऐसी नहीं है दुनिया, अपना काम निकालने के बारे में सोचते सुबह से रात, ऐसे बनना चाहते हो या फिर ऐसे बनना चाहते हो कि कहीं पर बैठे हो किसी के साथ में, अब वो चाहे अमीर है गरीब है कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे रोड के साइड में बैठ करके चाय पी रहे हो, घंटों तक बैठे हो, बैठ करके देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ये ऑब्जर्व करने के लिए अंदर एक ठहराव होना चाहिए, अंदर खुशी होनी चाहिए। खुशी और पीस ऑफ माइंड अलग अलग चीजें हैं, एक ही है, अलग है एक ही है, एक ही है, ये अलग अलग चीजें नहीं है, नाम अलग अलग है, उसको आप शांति कहो खुशी कहो, एक ही चीज है। आप लोग खुश रहना तो चाहते हो, सब रहना चाहते हैं दुनिया में, लेकिन ये नहीं पता है खुश रहते कैसे हैं। ऐसे सीड्स अपने अंदर प्लांट करने होते हैं जो जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़े आप अंदर से और पीसफुल होते चले जाओ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।